उत्तराखंड के अंदर जब आप अपर पीसीएस एंड लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि एनसीईआरटी को पढ़े कैसे। तो मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बारे में बात करूँगा। पहली चीज़ ये है कि जब हम लोग इस एनसीईआरटी सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इस बुक को पढ़ते हैं, तो अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि इसकी सिर्फ रीडिंग करते हुए चलते हैं, और रीडिंग नहीं करनी होती है। एक एक अच्छे प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट को कई चीज़ों पर काम करना होता है, उसके पास दो तीन स्किल होने ज़रूरी है, नहीं है तो उनको डेवलप किया जा सकता है। पहली चीज, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, पहली चीज उस टॉपिक को आप अपने सिलेबस के साथ इंटरकनेक्ट ज़रूर कर लें कि ये टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा है या नहीं है। कई बारी क्या होता है कि जो टॉपिक होता है वो टॉपिक डायरेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन हाँ वो इनडायरेक्ट आपके सिलेबस के साथ इंक्लूडेड होता है। तो वो समझ आपको पहले आपके क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके एंड देन सिलेबस को स्टडी करके आपकी एक समझ बनाते हैं कि अच्छा ये हमको पढ़ना है या नहीं। पहली चीज़ तो हमको ये क्लियर हो जाए। चलो एक चीज़ हम लोगों ने ये कर ली। दूसरी चीज़ हमको बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको एनालाइज कर लेना, उसको सिर्फ रीडिंग करके आगे की तरफ एक इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जमा हुई और आप आगे की तरफ निकल गए, उस चीज़ से इतना लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। आपको आपने कोई चीज़ पढ़ी तो आप अब उसके ऊपर एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। एनालाइज कहने का मतलब उससे क्या एस्पेक्ट बन सकते हैं और उसको मल्टी डायमेंशन में कहाँ से कहाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, या उससे क्या चीज़ें हो पीछे हो चुकी हैं, उसका इतिहास क्या रहा है। जब आप ऐसे किसी एक टॉपिक पर मल्टी डायमेंशन पर काम करना शुरू कर देते हैं तो वो टॉपिक फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती है, वो टॉपिक अब आपके माइंड में लॉजिकली फिट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात समझते हैं, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी का ही मैंने पेज उठा करके रखा है। एक कॉमन सी जानकारी है कि जो सामाजिक विज्ञान या फिर सोशल साइंस है वो भाई हमको पढ़ना क्यों चाहिए, वो एक इंट्रोडक्शन इसमें दिया है। मैं इससे थोड़ा सा आगे की तरफ पहुंचता हूँ। यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, देखो जो भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उन एनसीईआरटी में आपको कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आंसरिंग होती है, बुक आपसे खुद क्वेश्चन करती है, उन क्वेश्चन को आपको फाइंड करना होता है। जैसे ये एक इमेज है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये एक इमेज दी है और उसके नीचे लिखा है आइए पता लगाएं, लेट्स एक्सप्लोर। तो उसमें क्या लिखा है कि भाई जो ये इमेज दी ही है इसमें झील में पानी कहाँ से आ रहा है, ये एक झील, ये एक लेक है, अब इस लेक में जो वाटर है वो कहाँ से आया। अब ये क्वेश्चन किसने, एनसीईआरटी ने आपसे पूछ लिया। अब आपने ना आया होगा कहीं से, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे करके आगे नहीं चलना है। जब इसने क्वेश्चन पूछा है, हाँ यार बात तो बड़ी लॉजिकली बोल दी है कि पानी आया कहाँ से है, तो फिर जब आपका माइंड उसके ऊपर काम करना शुरू करता है, भले ही ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है कि पानी कहाँ से, भाई पानी या तो बरसात का इकट्ठा हो गया होगा या फिर ग्लेशियर के पिघलने से नदी का कोई एक ऐसी जल स्रोत आया होगा, वहाँ पर पानी जमा हो गया, या फिर इनर वाटर लेवल ही इतना हो गया कि वो नीचे से पानी आने लगा। ये मतलब ये अभी कॉमन सी बात है, इसके बाद का आंसर आपको पता चल गया। अब देखो इन्फॉर्मेशन एक थी लेकिन अब आपने लॉजिकली उस चीज़ को सोचना शुरू किया, ट्रेस करना स्टार्ट किया। अब जब आपने इस चीज़ पर गौर किया, अच्छा पानी यहाँ पे इस जगह से आ सकता है, तो फिर एक दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि पानी चलो आ गया लेकिन पानी उस जगह पर रुकता है जहाँ पर स्पेस हो। प्लेन रीजन पर तो पानी नहीं रुकेगा, मतलब सपाट रीजन पर बह करके कहीं पे भी चला जाए, मतलब यहाँ पे कोई गड्ढा रहा होगा एक ऐसा जिसमें पानी आकर के जमा हो गया और जिसको हम बोलते हैं ये एक लेक है। तो मतलब अब ये जो जगह स्पेस बनी है जहाँ पर ये लेक है, वो स्पेस कैसे बनी, वो जगह कैसे बनी, फिर यहाँ से फिर टॉपिक की गहराई इंटरकनेक्टिंग बढ़ती चली जाती है। बात आप कुछ समझ रहे होंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं
कि भाई पानी कहाँ से आ गया। अब इस पानी से आपके दिमाग ने लॉजिकली आंसर आपसे पूछने स्टार्ट किए। खुद से ही क्वेश्चन पूछिए, खुद ही उनके आंसर निकालिए। गूगल बाबा है, जिंदाबाद। आपने कोई भी क्वेश्चन उठाया और उस पर डाला, आपको आंसर मिलता है। इस प्रोसेस से आपको देर तो लगेगी कि यार आज तो सिर्फ आधा ही पेज पढ़ा है, लेकिन वो आधा पेज आपको नहीं, आपको इतना उसका आभास होगा कि वो आधा पेज आगे आने वाले चैप्टर्स में कितना आपका सपोर्ट करेगा, आगे आपका वर्क और कम होता चला जाएगा। जैसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट की इस तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, आपको स्टार्टिंग में आपको बड़ा टाइम लगता है, बट जैसे धीरे धीरे आप उस सब्जेक्ट के एंड की तरफ चलते हैं तो आपका टाइम और कम होता चला जाता है, क्योंकि पीछे से आप बेस अपना बना चुके हो अच्छे से। आप अब इंटरकनेक्टिंग पोजीशन पर आप धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हो उस टॉपिक के अंदर। बात क्लियर हुई? जैसे सपोज एक पॉइंट और इसके अंदर लिख दिया है, सड़क का निर्माण किसने एवं क्यों किया, हु मेड द रोड एंड वाई। अब क्वेश्चन उठ दिया। अब इसका भले ही बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, बट इसको जब आप लॉजिकली बैठ करके सोचोगे तो आपके दिमाग में कई सारे उसके आंसर निकल करके आएंगे। सिर्फ आपको आपके एग्जाम के अंदर लॉजिकली जो दिमाग निकाल करके आपको डेटा देता है उसके ऊपर काम करना है, आपको रटी रटाई चीजों पर काम नहीं करना है। एनसीईआरटी इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन की हुई है, आप एक बार उसको पढ़ोगे, दिमाग ने जो भी उसको एग्जॉर्ब किया वो कर लिया। जब आप उसी चीज़ को दोबारा पढ़ोगे ना, तो उसी में से ही बहुत सारी चीज़ें और नई आपको मिलेगी। तीसरी बार पढ़ोगे और बहुत सारी नई चीज़ें आपको उसके साथ देखने को मिलेंगी। बात क्लियर है? तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ना किस तरीके से है, आप घर पे बैठ करके भी तैयारी कर सकते हैं और साथ साथ में भी तैयारी की जा सकती है। आप कोई जॉब में हैं या आप स्टूडेंट लाइफ में हैं या आपको फुल टाइम यही अपना किया हुआ है कि मुझको तो ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, आप हर स्टैंडर्ड पर रह करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों की डिज़ाइन करके रखी है। स्पेशल उत्तराखंड के अंदर आप एनसीईआरटी और उत्तराखंड मुक्ति विश्वविद्यालय की अगर बुक्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से लेकर के चलें, तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई कि बहुत आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, जैसे जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं या फिर आप साइकिल चला ही लिए हो, तो जब साइकिल का पहला पेंडल आप मारते हैं तो बड़ा जोर पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो बहुत स्मूथ हो जाती है। उसके बाद फिर आपको इतना ज़्यादा जोर लगाने का ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही इसके बारे में ऐसे ही स्टडी होती है। पहला ही चैप्टर जोर वाला है, इस पहले चैप्टर पे आपने R&D कर दी ना, बढ़िया से रिसर्च कर दिया, आगे वाले जो चैप्टर हैं वो बहुत आसान होते चले जाएंगे, वो बहुत ईजी आपके लिए होते चले जाएंगे। तो आप अपर PCS हो या फिर लोअर PCS हो, अपनी स्टडी NCERT से कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। बात क्लियर? और कौन कौन सी NCERT आपको पढ़नी है वो बात मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। आज मुझको सिर्फ आप लोगों से इतना ही डिस्कस करना था। नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।